हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई रेसिपी में। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे क्रीम बर्फी, जो हलवाई के शॉप पे बहुत ज़्यादा फेमस होती है, लेकिन बहुत कम दुकानों पे ये बनाई जाती है। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप घर पे आसानी से क्रीम बर्फी कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हम वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं क्रीम बर्फी हलवाई स्टाइल में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सोनी के चैनल में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा लें, ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियोस हैं वो आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रीम बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हमें एक क्रीम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वही वाला क्रीम लिया है जो नॉर्मल डेयरी पे दूध से निकाला जाता है क्रीम, ये वही क्रीम है। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम क्रीम लिया है। आप चाहो तो अमूल का फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, इसकी जगह पे आप मलाई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्रीम का ही सबसे ज़्यादा टेस्ट होगा अगर आप ये वाला क्रीम यूज़ करते हो। नॉर्मल जो डेयरी पे क्रीम मिलता है ना, वही वाला अगर आप क्रीम यूज़ करोगे तो ज़्यादा टेस्टी होगा। आप मलाई से भी बना सकते हो, अमूल फ्रेश क्रीम से भी बना सकते हो। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी मैंने डाला है 100 ग्राम, और 150 ग्राम जो हमारे पास है वो क्रीम है। 150 ग्राम क्रीम और 100 ग्राम मैंने चीनी डाला है। तो चीनी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो कम भी डाल सकते हो, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। हमें इस क्रीम को उबालना नहीं है। आप सभी को पता है अगर हमने क्रीम को उबाल दिया तो वो घी बन जाएगा, तो इसीलिए हमें इसको उबालना नहीं है। बस सिर्फ हमें इसमें चीनी को पिघलाना है, बस चीनी। इसीलिए मैंने पाउडर डाला है चीनी का, ताकि जो चीनी है वो जल्दी से पिघल जाए और हमारी बर्फ़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट क्रीम बर्फी बने। तो अगर हम इसको उबालेंगे तो बहुत ज़्यादा हमने उबाल दिया तो ये घी बन जाएगा, आप सभी को पता ही है। तो हमारी जो चीनी है वो पिघल चुकी है, आप देख सकते हो। करीब 1 से 2 मिनट इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बिल्कुल पिघल जाएगी चीनी। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे येलो फूड कलर, या फिर केसर वाला कलर आप डाल सकते हो, या फिर केसर भी आप इसमें डाल सकते हो, अगर आपको जैसा भी पसंद हो। मैं नॉर्मली वही बता रहा हूँ जैसे सेम हम हलवाई के शॉप पे बनाते हैं। थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज़ करना है। मिल्क पाउडर हमें अच्छी क्वालिटी का, एक बढ़िया वाला मिल्क पाउडर यूज़ करना है। मैं बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आप कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे नेस्ले का जो मिल्क पाउडर आता है इस तरीके से एवरीडे, तो यही वाला मैं यूज़ करता हूँ। आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो भी आपके पास हो बढ़िया क्वालिटी का वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर जितना हमने क्रीम लिया था उतना ही लिया है, मतलब कि 150 ग्राम। धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते रहेंगे, और अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है। मतलब एक ही बार में सारा मिल्क पाउडर नहीं डाल देना है, धीरे धीरे करके डालना है। क्रीम बर्फी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही कम दुकानों पे आपको मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा होता है, तो इसीलिए छोटे मोटे शॉप वाले बहुत कम ही बनाते हैं। मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी शॉप पे आपको मिल सकती है ये बर्फी। और उसके बाद हमें मिल्क पाउडर जो है वो अच्छे से मिक्स कर देना है। मिल्क पाउडर जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो ये बिल्कुल रेडी है। गैस का फ्लेम आपने स्टार्टिंग से एंड तक आपने बिल्कुल लो पे ही रखना है, बिल्कुल लो ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें उबालना नहीं है हमें, और इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं है। देखिए, जब मिल्क पाउडर मिक्स हो जाए तो ये बिल्कुल रेडी है जमाने के लिए, मतलब सेट होने के लिए हमारी जो बर्फी है ये बिल्कुल रेडी है। तो इस टाइम पे हम इस बर्फी को बिल्कुल सेट कर सकते हैं। गैस मैंने बंद कर दिया है, अब इसको सेट होने के लिए किसी प्लेट या किसी थाली वगैरह में इसको हम डाल के रखेंगे इसको 1-2 घंटे के लिए, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। कोई भी प्लेट ले ले, उसको ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर ले और उसी प्लेट में आप इसको डाल दिए। हम तो जब मार्केट में बनाते हैं तो उस तो बड़ी वाली ट्रे में डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, और यहाँ पे घर पे मैं आप सभी को बस छोटी क्वांटिटी में सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था जब मैंने बड़ी क्वांटिटी में अपलोड किया था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमें छोटी क्वांटिटी में कैसे बनाना है। तो छोटी क्वांटिटी में भी आप इस तरीके से बना सकते हो। इसके ऊपर चांदी का वर्क जो है वो लगा देना है, अगर आपको पसंद है तो आप लगाएं, नहीं तो स्किप कर दें, ओनली ड्राई फ्रूट ही डाल दें इसके ऊपर। तो मैंने कटे हुए पिस्ता बादाम भी इसके ऊपर डाल दिया। अब इसको रख देते हैं 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए। इसको 10 से 12 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, हलवाई 10 से 12 घंटे रखते हैं। आप इसको 2 घंटे के बाद इसको कट कर सकते हो। ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे के बाद जो बर्फी है वो काफ़ी बढ़िया से सेट हो चुकी है। कोई पतली नाइफ हो जिससे आप कट करें, ये देखिए इस तरीके से
कोई शार्प नाइफ होनी चाहिए। शार्प नाइफ से जो क्लीननेस है वो काफ़ी अच्छी आएगी इसके ऊपर कटिंग में। तो आप इस तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं, जैसे भी पीसेस आपको पसंद हो उस टाइप से आप इसको कट कर सकते हैं, स्क्वायर में काट सकते हैं, या फिर इसको जैसे काजू कतली कट करते हैं वैसे आप कट कर सकते हो, या फिर जो भी आपको पीसेस पसंद हो वैसे आप इसको कट कर सकते हो। बहुत आसानी से ये बर्फ़ी बन जाती है, 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। बस इसको 2 घंटे के लिए रखना होता है, बस वही ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, ये सिर्फ 5 मिनट का ही काम होता है। काफ़ी बढ़िया टेक्स्चर है बर्फ़ी का, आप देख सकते हैं बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली बर्फ़ी है ये, बिल्कुल मुंह में जैसे ही आप रखोगे ना मुंह में बिल्कुल घुल जाती है बर्फ़ी। और ये इसका जो प्राइस है हमारी शॉप पे या फिर यहाँ पे जो नॉर्मली जो मेरे सिटी में है, इसका प्राइस 1000 रुपीज़ किलो है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप स्वीट्स का जो प्राइस है वो भी बता दिया करो, तो इसलिए मैंने बता दिया आप सभी को। ऐसे ही बहुत सारी जो स्वीट्स हैं हमारे चैनल पे अपलोड है, अगर आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियोस तो आप मेरे चैनल के बहुत सारे स्वीट्स जो है वो देख सकते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में सभी चीज़ें मैंने बताई है आप सभी को। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोस है वो आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।